सारण छपरा में जो एजुकेशनल हब है आज खोलेंगे इसका पोल खोल। हालांकि यहाँ के जो शिक्षा अधीक्षक जो हैं वो तो कार्रवाई करते नहीं हैं, लेकिन आज जो चैनल का जो आने का मकसद मेन है कि वैसे बच्चे जो कैसे मुश्किल से पैसा गार्जियन देते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आते हैं, जो दिल्ली की घटनाओं में तीन बच्चियों ने जान अपनी जीवन दान दिए, हिला कर रखा। हमारे नैतिकता और चैनल के आधार पर हम पहुँचे हैं छपरा शहर के, ये छपरा सारण शहर मेन मुख्य नगर निगम का क्षेत्र बजरंग नगर। देखिए अब शुरुआत करेंगे, आपको दिखाएंगे ये हब है, यहाँ केवल जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है ताजू पढ़ेंगे कि सारे बेसमेंट पर है, और बेसमेंट नीचे मतलब नीचे नालियाँ हैं और कोई ही व्यवस्था नहीं है, कब पानी आ जाए या कब जाम लग जाए या कब इलेक्ट्रिक शॉर्ट कर जाए कब क्या कर जाए। ये इस तरह से फिर दोनों तरफ आप देखेंगे बजरंगगढ़ में, इधर भी उधर भी एक गढ़ है, और वैसे कोचिंग जो जैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी वैसे नहीं, चूँकि हम क्यों अभी बाहर आउटलुक का इसलिए हम इंटरव्यू लेंगे कि अंदर आपको SDO साहब संबंधित। चलिए हम शुरुआत करते हैं, अब घुस गए हम छपरा के शिक्षा विभाग के हब। ये सामने देखिए ये है कोचिंग, अब सोचिए कि नीचे बेसमेंट है इसका, कोई इतना कंजेस्टेड नीचे जो खुद नीचे जो पानी का बहाव है, कभी अगर पानी ये नीचे हो जाए या ये धंस जाए तो कौन होगा इसका जिम्मेवार। इस तरह आप जितने जो हैं सबकी यही स्थिति है, सभी एक दूसरे को शिक्षा के व्यवसाय के रूप में होड़ मचा करके जो लोगों ने जो नज़ारा किया छपरा में, ये जो आपके सामने है ये पहली बार चैनल आपको दिखाता है। हालांकि अच्छी बात है, शिक्षा के होना भी चाहिए, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। देखिए ये है सामने आपको स्पष्ट तौर पर, ये रेलिंग है नीचे, देखिए ये नाला है, नाला के पीछे बिल्कुल ये पानी आपको नीचे रिसता हुआ, इसी को कहते हैं बेसमेंट, और यहीं से बच्चे चढ़ करके क्लासेस करते हैं, पढ़ते हैं। सोच सकते हैं कि इसके कितना इतना कच्चा बना हुआ, नीचे कोई बेस नहीं है, अगर कोई धंस जाए गिर जाए तो क्या नई घटनाएं नहीं घट सकती हैं। पानी नीचे रहेंगे तो शॉर्ट भी हो सकता है। ये जो पहली हम दस शिकायत दर्ज कराते हैं, हम फिर आगे बढ़ते हुए हम फिर इसके दाहिने तरफ चलते हैं, यानी कि अब दोनों तरफ देखेंगे गढ़ है। इल्यूशंस का कोचिंग का सेंटर पहुँचे हैं या स्टडी सेंटर इल्यूशन का है पॉइंट का। देखिए सामने से आपको पढ़ाई क्लासेस चल रहा है, लेकिन चैनल को देखते ही भाग के दरवाज़ा भी आधा लगा दिया गया। हमारी पढ़ाई बाधित करने का कोई इरादा नहीं है, हम बच्चों के सुरक्षा के बच्चों के लिए कि दिल्ली की घटना छपरा सारण में ना हो, जो दिखाने का मकसद है। इस तरह से हम ये लुसेंट के हम स्टडी सेंटर को हम दिखाते हुए हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ लाइब्रेरी दिखाएंगे आपको कि इस तरह छपरा में लाइब्रेरी बना के लोग धंधा चलाते हैं। ये सामने से फिर हम आगे बढ़ते हुए देखिए ये जो सीधे अब पहुँचे हम ये आईजी बोस करके आपके इंस्टीट्यूट देख ओपन, अब फैसला करेंगे आप। ये जिस तरह के बेंचेस में है ऊपर बैठे नीचे, ये इसकी जवाबदेही है, SDO साहब की जवाबदेही है, शिक्षा विभाग के जवाबदेही, क्या क्या सभी रजिस्ट्रेशन है या विदाउट रजिस्ट्रेशन के पैसा मचाने के होड़ में जो अभी धंधाबाजी चल रहा है जो बजरंग नगर में या मोहल्ला कह सकते हैं, ये सारण का एक पॉश एरिया ये आपको ये क्षेत्र है। और आप ये भी देखिए ये सामने हम पहुँचते हैं ये इंग्लिश से कोचिंग को यानी सेप्टिक तक से लेकर के हर तरह के पढ़ाई के दूसरे से बिल्डिंग से सटा हुआ है। कहीं भी किसी भी आपको इंस्टीट्यूट कोचिंग के आगे न तो किसी से देखिए सेफ्टी ऑफिसर जो लिखा हुआ है, ये सेफ्टी ऑफिसर यहाँ से ट्रेनिंग करके ये सेफ्टी विभाग लोग भेजते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमियाँ बता रहे हैं, नियम है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम के आगे उसका नाम मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी के बोर्ड पे नहीं है, जो यही दर्शाता है कि इस पर जाँच करनी आवश्यक है। फिर हम सीधा चलते हुए यानी सड़क के दोनों तरफ एक विशेषता है कि आने जाने की गाड़ी की एक विशेषता है, ये इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ते हुए काफ़ी स्पेशियस रोड है, लेकिन दोनों तरफ जिस तरह से जो कब्जा किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो शिक्षा
माफिया तो नहीं कहेंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे, ऐसा लगता है कि जिस तरह इसके नोटिस बोर्ड पर न तो किसी का रजिस्ट्रेशन है। आइए लाइब्रेरी में ले चलते, देखिए हम लाइब्रेरी पहुँचे, देख क्या धंधा लाइब्रेरी का, देखिए ये चैनल देखते, देखिए कुछ लोग भाग रहे हैं भीतर, शायद कैमरा नहीं पहुँचे हमारा, देखिए जनाब से बात करते हैं, सुनिए आपका क्या नाम है, देखिए नहीं कह रहे हम कोई जवाब नहीं देंगे, अरे कम से कम हमारे जवाब तो दीजिए कि आपका लाइसेंस है या नहीं। देखिए बहुत दबे जवान से बोल रहे कि हमको नहीं दिखाना कुछ भी। इस तरह से आदमी अगर जो जवाब नहीं देने वाला बदतमीज टाइप का, मेरी भाषा में जो लाइब्रेरी पर जो लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं ना जवाब दे, हमारे से पहले शिकायत दर्ज कराते हैं, वो जानते हैं कि अगर हम ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे तो दे नहीं पाएंगे, और इस तरह से हम जो भी सीनियर अधिकारी आएंगे उसकी जांच पड़ताल करेंगे। यानी हमने आज केवल अपने इस बद्रनगर जो इस शिक्षा हब के क्षेत्र में आकर के एक छपरा की तरफ से एक थोड़ा सा हमने रिपोर्टिंग किया है, हम चाहेंगे इस रिपोर्टिंग के आधार पर हमारे जो यहाँ के एसडीओ साहब हैं, शिक्षा विभाग के जो हेड हैं, इसको आधार बना करके जो चारों तरफ जो हम दिखा रहे हैं आपको सभी चीज़ लिखी हुई एक एक चीज़ों पर जो बिल्कुल एविडेंस के साथ में हम दे रहे हैं आउटलुक पर, इसकी जाँच की जाए, अगर सभी रजिस्टर्ड हैं तो इसको माना जाएगा सही, अन्यथा इसको समझा जाएगा कि धज्जियों को उड़ाते हुए जैसे दिल्ली में किया गया, क्या छपरा में नहीं किया गया। फिर मिलेंगे आपको।